आप सारे मिलके चाय पीते हैं बशीर। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी बशीर पान से ये कहने की कि आने की शादी उस लड़के से कर दो? अरे बेटा मैं मानता हूं बहुत दुख थे, लेकिन इस बात का मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। बशीर तूने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं मेरे से पूछा। और तूने खुद ही तो कहा था कि एनी और वकार की शादी कर दो, मैंने तो तेरी बात मानी। अगर एनी की शादी कहीं और की ना मेरे अलावा तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल ले और बाजी समझा दे इसको। चल ले चल ले बशीर। वकार? हाँ? क्या बात है? क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? आपके चेहरे पे लिखकर। तुम बिन कहे कैसे जान लेती हो मेरे दिल की बात? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा बताए क्या बात है? वो एनी के अब्बा मान गए। वाकई? हाँ, और साथ साथ उन्होंने एनी को भी मना लिया। इतनी अच्छी खबर और आप मुझे ऐसे सुना रहे? कोमल तुम्हारा दिल इतना बड़ा क्यों? क्या मतलब? अपने शौहर की शादी तुम किसी दूसरी औरत से करवा रही हो। कोमल क्या तुम खुश हो? आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है कोमल। मुझे बताओ क्या तुम वाकई खुश हो? मैं बहुत खुश हूं और मुझे सिर्फ आपकी खुशी चाहिए, और मैं जानती हूं आपकी खुशी एनी में है। और तुम्हारी खुशी? मेरी खुशी तो आपकी खुशी में है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। कोमल कोई भी औरत अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। आप सही कह रहे हैं वकार, लेकिन जब मैं होंगी नहीं तो तकलीफ कैसे? कैसी बातें कर रही हो कोमल? यही सच है वकार। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वकार मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में आपकी मोहब्बत से आपको मिलवा दूँ। मैं मरने से पहले सुरखरू होना चाहती हूँ। बस करो कोमल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने बात की है डॉक्टर से। मुझे पता है ऑपरेशन में मेरे बचने के 10% चांसेस हैं। किसी बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा कोमल। आप हैं ना मेरे साथ, आपके साथ ही जिंदगी के 4 दिन बहुत खूबसूरत हैं मेरे लिए, और यही मेरी जिंदगी का हासिल है। एनी ये देख किस कदर खूबसूरत काम हुआ है। हाँ, ये तेरी नानू ने मेरी शादी पे मुझे दिया, और मैंने संभाल के रखा कि अब तेरी शादी पे तुझे दूंगी। क्या बात है, क्या सोच रही है तू? मैं ये शादी नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही, होश में तो है तू? हाँ मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों बेटा? वकार इतना अच्छा इंसान है और उसकी बीवी को भी एतराज नहीं है, फिर क्यों? बस मैंने कहा ना, ये शादी नहीं कर सकती मैं। लेकिन बेटा तुम्हारा ये जवाब मेरे सवाल के लिए काफी नहीं है। मुझे बताओ हुआ क्या है? आज इतना आया था तो अदनान कहकर गया है, अगर मैंने वकार से शादी की तो निमरा को मुझसे छीन लेता।
ये कैसे हो सकता है? उसने मुझसे वादा किया है कि वो निमरा को तुमसे नहीं छीनेगा। मम्मी, वो साफ धमकी देकर गया है। उसने कहा है कि वो कोर्ट में केस दायर करेगा। और चूंकि मैं वकार से शादी कर चुकी होंगी तो मैं केस हार जाऊंगी। अब वो निमरा को छीन लेगा मुझसे। मैं खुद उससे बात करूंगी, मुझे यकीन है वो मान जाएगा। वो नहीं मानेगा अम्मी, मैं जानती हूं। मुझे तंग करने के लिए निमरा को छीन लेगा मुझसे। बेटा तुम क्यों परेशान होती? अरे वकार के वालिद वकील थे ना, वो कोई अच्छा सा वकील कर लेगा और इंशाल्लाह हम केस जीत जाएंगे। मम्मी ये बात मत भूलें कि अदनान के पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ खरीद सकता है, वकील और गवाह भी। तो फिर तुमने क्या सोचा? मैं शादी नहीं करूंगी अम्मी। लेकिन ये तो कोई हल ना हुआ। अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने तलाक भी तुमसे वकार की खातिर ही ली थी। खैर तुमने सही फैसला किया है, अब निमरा को एक मिनट के लिए भी यानी के पास नहीं छोड़ना। मैं ये शादी नहीं कर सकती वकार। यानी तुम्हें मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा के मजा आता है? मैं ही बेवकूफ था तो तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया। क्या हुआ अदनान, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। परेशान लग रहे हो, मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूं। निमरा के केस के लिए जो कागजात तैयार किए थे वो ढूंढ रहा हूँ। निमरा के केस के? ये इतना बड़ा फैसला तुमने अचानक कैसे ले लिया? एनी शादी कर रही है। शादी कर रही है, मगर किससे? वकार से। आप भी हंस लें, सब हंसेंगे मुझ पे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने तलाक भी तुमसे वकार की खातिर ही ली थी। खैर तुमने सही फैसला किया है, अब निमरा को एक मिनट के लिए भी यानी के पास नहीं छोड़ना। तुमने यानी को अपने फैसले से आगाह किया? जी। तो क्या था उसका रद्द अमल? क्या होना चाहिए था? नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना, यही वो वक्त है जब तुम निमरा को उसके चुंगल से आजाद करा सकते हो। अगर ये टाइम भी हाथ से निकल गया तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। जानता हूं, इसलिए ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। क्या करूं मैं? एक तरफ निमरा है और दूसरी तरफ वकार। मैं निमरा को नहीं खो सकती, मेरी बेटी है वो, मेरा सब कुछ। और वकार, वो तो पहले भी मेरी जिंदगी में नहीं था। मुझे वकार से बात करनी होगी। हेलो। हेलो वकार। हाँ, कैसी हो एनी? मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है कोमल कितनी खुश है जब से उसे पता चला है कि तुमने हाँ कर दिया। हेलो, सुन रही हो ना? हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम और मैं। वकार, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुमने फोन किया। हाँ बोलो, क्या बात है? सॉरी, ये शादी नहीं कर सकती। वकार, वकार तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैं ये शादी नहीं कर सकती वकार। यानी तुम्हें मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा के मजा आता है?
मैं ही बेवकूफ था तो तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया मैंने। तुमने कोमल का भी नहीं सोचा? जिंदगी और मौत से लड़ रही है वो, एटलीस्ट उसका तो सोच लेती। ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी बात तो सुनो, मैं शादी नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन लेकिन क्या? नान मुझसे मेरी बेटी छीनने की धमकी देकर क्या? तुम ही बताओ क्या करूं मैं? बोलो, बताओ क्या करूं? तुम फिक्र ना करो, हम दोनों अदनान से जाके मिलते हैं, कुछ हल निकालते हैं। मैं आता हूं तुम्हें लेने के लिए। और रानो, और ये क्या कर रही है? जा रही हूँ मैं। पर कहाँ? तुझे छोड़ के हमेशा के लिए, और कहाँ? और क्यों? देख, तूने मुझे मेरे भाई के सामने मुजरम बना दिया है, पर मैं जानती हूँ ये सब चाल है। तू उस ऐनी की शादी करने के लिए अचानक तैयार हो गया, कोई ना कोई तो राज है। चल बोल, बता, नहीं तो मैं जा रही हूँ फिर। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। पर मैं भी आज रुकने वाली नहीं हूँ। तुझे पता है शौकत तेरी वजह से नाराज हो गया मेरे से। वो समझता है कि ऐनी का रिश्ता तूने मेरे कहने पे तय किया है, पर मैं भी जानती हूँ वजह कुछ और है। बोल, बता। और तू ठीक कह रही है, वजह कुछ और है। देखा क्या वजह है? मुझे कल एक फोन आया था। फोन? किसका फोन? वकार की बीवी का। वकार यानी वो ऐनी का होने वाला खामद? हाँ वही। वो शादीशुदा है? हाँ, मुझे भी उस लड़की से पता लगा। तो फिर क्या उसने मना कर दिया कि वकार और ऐनी की शादी ना हो? और यही तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि उसने मुझे पैसे दिए हैं कि मैं ऐनी और वकार की शादी के लिए राजी हो जाऊं, बल्कि ऐनी को भी राजी करूं। ले पला, ये कैसे हो सकता है कि एक बीवी पैसे दे कि मेरे खामन की शादी करा दो? ऐसे हुआ, मैं तो खुद परेशान। वाह बशीर, वाह। सारी जिंदगी तो मुझे तो धोखा देता ही रहा। अरे आज अपनी बेटी के आंसुओं को भी बेच डाला तूने। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे तेरे जैसे बाप की बेटी को तो मर ही जाना चाहिए। जिसका बाप उसका हर वक्त सौदा करने के लिए बैठा हो। भगवान बंद कर। खबरदार। बस बशीर, बस बहुत हो गया। अपनी सुनूंगी तेरी। अरे मैं तो ये सोच रही हूं क्या जवाब दूंगी मैं अपनी ऐनी को। कितनी खुश थी मेरी बेटी कि उसके बाप ने उसके सर पे हाथ रख दिया। कितनी खुश थी। बदनसीब है वो, बदनसीब है मेरी बच्ची, बदनसीब। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुझे, कभी माफ नहीं करूंगी। बद्दुआ लगेगी तुझे मेरी, बद्दुआ। तुझे कभी चैन नसीब नहीं होगा। ये मेरी बद्दुआ है तुझे, मेरी बद्दुआ, एक माँ की बद्दुआ है। याद रखना, नहीं नसीब होगा चैन। घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद करके आई थी, और अब वापस आना नामुमकिन है, समझे तुम? हेलो। हेलो वकार, कहाँ हैं आप? I'm sorry, कोमल, थोड़ी सी देर होगी, बस आ रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या है?
वो एनी का फोन आ गया था। खैरियत है भी और नहीं भी। क्या मतलब? कोमल एनी ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि उसके एक्स हस्बैंड अदनान ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने शादी की तो वो उसकी बेटी को उससे छीन लेगा। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? यही तो बात। तो अब फिर क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। मैं अब एनी को लेकर उससे मिलवाने जा रहा हूँ। अगर इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया ही नहीं है। मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए नहीं शेयर किया तुमसे। इसलिए आप अकेले परेशान होते रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है कोमल, लेकिन एनी बहुत परेशान थी। आप एनी को अदनान के पास ले जाएं, वो उसकी बात मान जाएगा। मैं अदनान को जानता हूँ कोमल, तुम इतनी आसानी से नहीं मानेगा। आप बात तो करें, अब बात करने से पहले ही हिम्मत हार जाएंगे तो। ठीक कह रही हो तुम। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, अब मुझे जरूर बताइएगा कि क्या बात हुई। ओके, खुदा हाफिज़। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। वकार, तुम भी तो बैठो। नहीं, ये तुम्हारा अदनान का आपसी मामला है, मेरा बैठना मुनासिब नहीं होगा। मैं ऑर्डर दे के आता हूँ। क्यों बुलाया मुझे? अदनान, मैं निम्रा को तुम्हें नहीं दे सकती। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रहा। तुम चाहते हो मैं वकार से शादी ना करूं, तो मैं नहीं करूंगी। और अगर मैं कहूं तुम वकार से शादी कर लो तो? क्या मतलब? तुम वकार से शादी करोगी लेकिन? लेकिन क्या? तुम वकार से शादी करोगी और कुछ अच्छे बाद उसे तलाक ले लो। ये क्या कह रहे हो तुम? वकार से शादी कर लूं और फिर तलाक? हाँ, देखो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम उसे शादी कर लो, बस कोई भी झगड़ा करके उसे तलाक ले लेना और फिर हम दोनों तुम्हारा शादी कर लेंगे और जिस तरह पहले रहते थे वैसे रहेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? ना तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्यों, उसमें बुराई क्या है? बुराई? तुम्हें ये बात करते हुए शर्म नहीं आई? और तुम्हें वकार से शादी करते हुए शर्म नहीं आएगी? तुम इतना गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसमें इतना गिरने वाली क्या बात है? मैं तो बस ये चाहता हूं हम पहले की तरह एक साथ रहें। निम्रा को हम दोनों के प्यार की जरूरत है, माँ बाप है उसके। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। हो गई गलती मुझसे यार, इंसान से गलती होती है, अब क्या करूं मैं? इसका मतलब तुम कभी मुझे माफ नहीं करोगी? माफी की बात नहीं है अदनान, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे तुम मुझसे अलग खुश कैसे रह सकती हो? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, तुम खुश हो मेरे बगैर? बताओ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? याद आती है, लेकिन लेकिन जो तुम कह रहे हो मैं वो नहीं कर सकती। लेकिन क्यों है नहीं? देखो मेरी बात तामल से सुनो, तुम वकार से शादी कर लोगी, फिर उसको पता भी नहीं चलेगा, उसे झगड़ा करके तलाक ले लेना और फिर हम पहले की तरह एक साथ रहेंगे। बस इतनी सी बात है। तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? मैं वकार को धोखा दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर साफ साफ कहो ना, तुम वकार से प्यार करती हो,
और तुमने तलाक इसीलिए ली थी मुझसे। तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की। तुम तो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम सेल्फिश हो। तुम सेल्फिश नहीं हो, वकार की बीवी की बीमारी का फायदा उठा रही हो। नाम भी मत लेना उस औरत का, तुम्हें क्या पता हो प्यार करने वालों का। देखो एनी, मेरी ऑफर तब तक वैलिड है जब तक तुम वकार से शादी ना कर लो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद करके आई थी और अब वापस आना नामुमकिन है, समझे तुम। आप शायद जानते नहीं हैं, मैं वकार और एनी की शादी खुद करवाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? इसलिए कि वकार एनी को बहुत चाहते हैं और मैं जानती हूँ कि आप भी एनी से बहुत मोहब्बत करते हैं। चले गए थे? मैं आगे गाड़ी में बैठ गया था। क्यों? मैं चाह रहा था तुम्हारा दान खुल के बात कर लूं। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारे सामने नहीं हो सकती थी? मैंने ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? चले। पूछोगे नहीं अदनान ने मुझसे क्या कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम जो भी फैसला करोगी वो दोनों के लिए। लेकिन मैं तुम कुछ हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी। यानी हमारे दरमियान कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन हम हमेशा दोस्त जरूर रहे। वादा करो। वादा। अब चल के कुछ खा ले, बहुत भूख लग गई। मेरा दिल नहीं चाह रहा। एनी, लोगों की जिंदगियों में बहुत कुछ हो जाता है लेकिन वो जीना नहीं छोड़ देते, समझी? मुस्कुरा दो ना। गुड। मुझे हमेशा तुम मुस्कुराती भी अच्छी लगती। क्या खाओगी? मैं? हाँ, तुम क्या खाओगी? जो तुम खाओगे मैं वही खाऊंगा। बिल्कुल नहीं बदली हो। हेलो। हेलो जी, कौन? आप अदनान बोल रहे हैं? जी अदनान बात कर रहा हूँ। आपको? आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं, कौन बात कर रहे हैं आप? मैं आपके दोस्त वकार की बीवी
कोमल बात कर रही हूँ। ओह भाभी आप जी कहें मुझसे क्या काम है आपको? अदनान साहब मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे अंदाजा है आप क्या बात करना चाहती हैं मुझसे। आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ? आप यही चाहती हैं ना कि मैं वकार और रैनी की शादी रोकने में आपकी मदद करूं। सब बेफिक्र हो जाएं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अदनान साहब आपने मुझे गलत समझा है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। जी आप शायद जानते नहीं हैं, मैं वकार और रैनी की शादी खुद करवाना चाहती। लेकिन क्यों आप अपने शौहर की शादी खुद क्यों करवा रही हैं? मैं जानता हूं आप कैंसर पेशेंट हैं, लेकिन इलाज मुमकिन है, आप ठीक हो जाएंगी। मुझे कैंसर ना भी होता तब भी मैं वकार और रैनी की शादी करवा देती। लेकिन क्यों? इसलिए कि वकार रैनी को बहुत चाहते हैं और मैं जानती हूँ कि आप भी रैनी से बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम है? ऐनी की खुशी, उसकी जिंदगी भर का सुकून, उससे कोई मतलब नहीं आपको? आपकी कोई बात नहीं समझ पा रहा मैं। महबूब की खुशी में जो इत्मीनान और लज्जत है वो दुनिया की किसी खुशी में नहीं है। आज आप ऐनी को पाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप ऐनी को नहीं पा सकते। अगर आप ऐनी की खुशी में राजी हो जाते हैं तो शायद अल्लाह ताला आपको दिल का सुकून और इत्मीनान अता करते। लेकिन देखिए अदनान साहब, आपने अपनी गलती की वजह से ऐनी को खो दिया। छीनने से शायद आपको ऐनी तो मिल जाए लेकिन उसकी मोहब्बत कभी नहीं पा सकेंगे। अदनान साहब मैं जानती हूँ कुर्बानी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुर्बानी देने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तब वकार ने कुर्बानी दी थी, आज आपकी बारी है। मोहब्बत तो देने का नाम होता है, छीनने का नहीं। बदल तो नहीं जाओगे? नहीं यानी इस बार नहीं। अमल तुमने अदनान से बात की है जो काया ही पलट गई। मैं भला अदनान से कैसे बात करूंगी? मेरे पास उसका नंबर कहां से आया? इतनी आसानी से तुम्हारी खुशियां पूरी नहीं होने दूंगा यानी। तुम अगर मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये तो बशीर है, ये कोमल के पास। कोमल के पास क्या करने आया? राड़ो, ये शौकत का? मैंने कहा है ना शौकत को इस मामले से दूर ही रखो। दूर ही रखो, दूर ही रखो, क्या रट लगाई हुई है तूने? मैं तुझसे पूछो शौकत का है? आपे पाया कुंडिया ते आपे खिचना है डो ATV, सारे रंग हमारे।